जहां नेता अपनी सरकार बनाने के लिए अन्य पार्टियों के सदस्यों की खरीद फरोख्त कर रही है तथा अन्य दांवपेच खेल रही है, उसी प्रकार बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली तथा जय शाह ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तथा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कूलिंग पीरियड को गैर जरूरी मानते हुए उसे हटा देने की मांग की है, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दी है। लड़ी लग गई। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक कूलिंग पीरियड है क्या। देखिए, कूलिंग पीरियड सरल भाषा में समझें तो किसी भी पदाधिकारी के कार्यकाल को समाप्त हो जाने के बाद कुछ समय के लिए उसे आराम देना है। दूसरे शब्दों में समझें तो ऐसे पदाधिकारी को चुनावी रेस से कुछ समय के लिए बाहर रखना है। लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के पूरा होने से ठीक पहले ये गेम खेलकर अपनी कुर्सी बचा ली है और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बीसीसीआई के संविधान में संशोधन किया जा सकेगा। और इसी दौरान दो विश्व कप भी होने वाले हैं, जिसमें से एक T20 तथा दूसरा ODI विश्व कप होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इन दोनों वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली तथा जय शाह ही बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहेंगे। सबकी गुलामी बंद आज से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।